बर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ बीरबल नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा था, तो ऐसे ही लॉन्ग कहानी वीडियो बनाना सिखाएंगे, यानी कि लंबी कहानी वीडियो बनाना सिखाएंगे। वो 10 मिनट 20 मिनट चाहे 50 घंटे की क्यों ना हो, आप आराम से बना सकते। तो चलिए आपको बनाना सिखाते। तो सबसे पहले यहाँ पर इमेज ले लेनी है आपके कहानी के अनुसार। तो इमेज लेने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना। एक बार मीडिया पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से काफ़ी फोल्डर्स आ जाएंगे, जहाँ पर भी जो इमेज आपको यूज करनी है वो इमेज ले लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ से एक इमेज लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर एक बार करूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये वाली मुझे इमेज लेनी है, तो इस पर बस एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये वाली इमेज यहाँ पर आ गई। ओके, इमेज आने के बाद इसको जितनी बड़ी आप कहानी वीडियो बनाना चाहते, 10 मिनट 20 मिनट एक घंटा दो घंटे, इस तरीके से आपको खींच खींच के उतनी ही बड़ी कर लेनी। जैसे कि देख सकते हैं हम आज आपको लॉन्ग कहानी वीडियो बनाना सिखाएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको खींच खींच के बड़ा कर लेना। ओके, बड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, तो लिखने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बार करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं टेक्स्ट पर एक बार करना है क्लिक। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं विक्रमादित्य, और तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने विक्रम और बेताल यहाँ पर लिख दिए। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, इतना कुछ लिखने के बाद ओके पर बस कर देना है एक बार क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसको इस तरीके से आपको जूम कर देना है, इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, जूम करने के बाद इसका मतलब है कि विक्रम और बेताल के ऊपर कहानी है। ओके, इतना कुछ करने के बाद अब आपको अगर कलर चेंज करना है इसका, तो देख सकते हैं यहाँ पर कलर पर बस एक बार करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इसको रेड कलर कर देते हैं। ओके, देख सकते हो इस तरीके से। इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक पट्टी भी लगानी है, जैसे कि देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर पर करना है क्लिक। और यहाँ पर देख सकते हैं फुल वाइट बैकग्राउंड, यहाँ तक एक पट्टी आ जाएगी। तो चलिए देख सकते हैं पट्टी पर करते हैं क्लिक इस तरीके से। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर 50% आपको है, इस 50% से 100% कर देना है इस तरीके से। ओके, इतना कुछ होने के बाद आप देख सकते हैं इतना अपना फ्रेम बनकर हो गया तैयार। ओके, उतना कुछ करने के बाद इसको भी जितनी बड़ी आपकी कहानी वीडियो है उतनी ही बड़ी इस तरीके से आपको खींच खींच के कर देना है, जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप कहानी वीडियो बनाओगे तो बहुत अच्छा बनने वाला है, जैसे कि मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। पर वीडियो ज़रूर लंबा हो जाएगा, पर आप अच्छे तरीके से कहानी वीडियो बनाना सीख जाओगे कितनी भी बड़ी हो। तो इतना कुछ करने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है जो भी कहानी है वो कैसे लिखेंगे। तो देख सकते हैं लिखने के लिए लेयर पर एक बार आपको करना है क्लिक। लेयर पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर एक बार करना है क्लिक। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से यहाँ पर आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो कहानी, या लिख भी सकते हो। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट ही करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कहानी कॉपी पेस्ट कर दी। पर आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, केवल आपको कितनी लाइन करनी है, 5 लाइन, इतनी पूरी बड़ी बड़ी 1, 2, 3, 4, 5 लाइन करनी है आपको बड़ी। ओके, फिर आप अगर ओके पर क्लिक करते तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो चलिए आपको दिखा देते। तो देख सकते हो ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये पूरी एक लकीर बन के आ गई इस तरीके से। ओके, पर आप अपन को क्या इस तरीके से इतने सारे बॉक्स में चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे, तो फिर से एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ को इतने सारे इनको आधे 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 में बांट देंगे। इसी तरीके से आपको भी कर देना, जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ से इस तरीके से काटने वाला हूँ, इस तरीके से आप भी काट लेना। देख सकते हैं पूरा जल्दी जल्दी से काट लेता हूँ, इस तरीके से आपको भी काट देना। इससे होगा ये कि सही तरीके से आपको दिखने लगेगा। तो चलिए इस तरीके से इसको कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर। इतना कुछ करने के बाद ओके पर करते हैं क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ आ गया। ओके, अगर इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर एक बार बस करना है क्लिक, और पीला कलर लगा लेना या जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा लेना। देख सकते हैं इस तरीके, और जूम करने के लिए देख सकते हैं इस तरीके से आपको जूम कर देना। ओके, करने के बाद अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, ग्लो या शेडो लगाना है तो इसको भी लगा सकते हैं। तो इस पर एक बार करेंगे क्लिक और इनेबल करेंगे। इनेबल पर क्लिक करने के बाद इसको
ब्लैक पर क्लिक कर देंगे। ओके, ब्लैक पर क्लिक करने के बाद इसको इस तरीके से आपको कर देना। देख सकते अब काफ़ी क्या है अट्रैक्टिव लगने लगा और अच्छा लगने लगा। इतना कुछ करने के बाद अब इसको क्या चलाना, अभी देख सकते रनिंग नहीं कर रहा। कहानी वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा, पर आप इसी एक वीडियो को देख कर लंबी कहानी वीडियो बनाना सीख जाओगे। तो अभी ये क्या रनिंग नहीं कर रहा है, ये लिखा हुआ। तो रनिंग कैसे कराएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ही आपको क्लिक करना, देख सकते जो लिखा हुआ। क्लिक करने के बाद इसे इस तरीके से आपको नीचे लेकर आना है। केवल आपको एक लकीर दिखनी चाहिए, देख सकते जैसे कि यहाँ पर एक लकीर दिख रही है। इतना कुछ करने के बाद देख सकते यहाँ पर एक चाबी का ऑप्शन से जहाँ पर मैंने टिक लगाया, इस पर एक बार बस आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये जितना लिखा हुआ देख सकते यहाँ तक, इतने ही तक आपको यहाँ तक खिसकाना। ओके, खिसकाने के बाद अभी ये जो लिखा हुआ है इसको ऊपर की तरफ ले जाना, ताकि ये ऊपर की तरफ रनिंग कर सके। इस तरीके से देख सकते इस तरीके से आपको कर देना है, देख सकते इस तरीके से। इतना कुछ करने के बाद अब खाली जगह पर कहीं पे भी या यहाँ पर बैक पर कर सकते हो या यहाँ पर, एक बार बस करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते अब ये अपनी रनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते यहाँ पर रनिंग हो रहा है, पर ये रनिंग क्या बहुत ही फास्ट हो रहा है, इसे कोई पढ़ नहीं पाएगा। हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, ना आप भी पढ़ पाओगे, और अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो इस पर अपनी आवाज़ भी नहीं दे पाएंगे। ओके, तो इसकी इसकी क्या स्लो करने के लिए इस पर एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर कर सकते हो या यहाँ पर कर सकते हो। ओके, क्लिक करने के बाद इसको इस तरीके से खींचना है। जितना आप बड़ा खींचोगे उतने ही आपकी स्लो स्पीड होने वाली है। जितना आप इस तरीके से खींचोगे उतनी ही स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी। तो देख सकते अब आपको प्ले करके दिखाते हैं, तो देख सकते अब काफ़ी स्लो हो गई। इसी तरीके से आपको भी कर देना, अभी थोड़ी ज़्यादा स्लो है इसको, चलिए थोड़ा स्लो इसको कम कर लेते इस तरीके से खिसका के। ओके, अब इसमें क्या अपनी आवाज़ देनी है, तो कैसे देंगे, तो चलिए आवाज़ देने के लिए चलिए आवाज़ बाद में देंगे। सबसे पहले क्या लंबी कहानी वीडियो बनानी है ना, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर इतना कुछ ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं अब यहाँ पर और आगे कहानी लिखकर नहीं आ रही है। तो आगे कहानी कैसे लिखाएंगे इस, तो वो देखना आप पूरा वीडियो। तो देख सकते इस पर एक बार फिर से क्लिक करना, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप गौर से देखना कि क्या करने वाला हूँ। अगर आप लंबी कहानी वीडियो बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही आपको करना है। तो देख सकते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं तीन बिंदु नज़र आ रही, जहाँ पर मैंने टिक लगाया है यहाँ पर ही आपको एक बार करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इसी का डुप्लीकेट पर कर देना है क्लिक, तो इसी का डुप्लीकेट बन जाएगा। अगर आप नए तरीके से लिखोगे, जैसे कि वहाँ पर लिखा था इसी तरीके से लिखोगे, तो आपकी ये सेटिंग सही से नहीं होगी। एक आगे चला जाएगा, एक पीछे चला जाएगा, या एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा ये लिखा हुआ, यानी कि सही एक के ऊपर एक सही से रनिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे, गड़बड़ ही करते रहेंगे। ओके, ऐसा कुछ करने के बाद अब क्या है इसको इसके आगे वाली कहानी दे देना है। ये भी बोई है अभी, ये भी बोई, इससे आगे वाली कहानी लिखेंगे। तो चलिए कैसे लिखेंगे, इस पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद एडिट पर एक बार करेंगे क्लिक। एडिट पर क्लिक करने के बाद ये मिटा इसको हटा देंगे। ओके, हटाने के बाद इससे नई कहानी, इससे आगे की कहानी यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं उससे आगे वाली कहानी मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी। ओके, कॉपी पेस्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ओके पर बस कर देना आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या है सेटिंग सही तरीके से कर लेनी। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो अपना ये पहला वाला पैराग्राफ चल रहा, अब दूसरा पैराग्राफ आने वाला, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर आने वाला। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी गैप है, तो देख सकते हैं सबसे पहले गैप भी है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है जो लिखा हुआ है बहुत ही आगे पीछे भज रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा है। ओके, तो सबसे पहले इसको कम कर लेते हैं। कम करने के लिए कैसे करेंगे, फिर से यहाँ पर एडिट पर करेंगे एक बार क्लिक। एडिट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये फिर से एडिट आ गया। एडिट पर एक बार करेंगे क्लिक। एडिट पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था इसका ठीक यहाँ पर यहाँ से आपको कट लगानी है, जैसे कि देख सकते चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ से आपको कट लगानी, तो चलिए कट लगा लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपको ये लिखा हुआ है वो छोटा कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से करने वाला हूँ। ओके, इस तरीके से आपको भी कर लेना, तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको इस तरीके से छोटा कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको भी कर लेना, इससे होगा क्या सही तरीके से बन जाएगा। तो देख सकते इतना कुछ करने के बाद अब ओके पर करते हैं क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना पहले का पैराग्राफ है जो लिखा हुआ था। ओके, और नया देख सकते हैं यहाँ पर
देख सकते हैं उसने जवाब दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर कहीं लिखा होगा, चलिए ऐसे नहीं पता पड़ेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये एक के ऊपर एक यहाँ पर चढ़ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर इसको सही करने के लिए इस तरीके से आपको खिसकाना है, तो देख सकते हैं इस तरीके से और इस तरीके से कर देना, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लिख कर आ गया उसने जवाब दिया। ओके, ये अपना नया पैराग्राफ हो गया, ये अपना पुराना पैराग्राफ है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर अब इसको प्ले करते हैं, कहीं ये एक के ऊपर एक तो नहीं चल रहे हैं। ओके, तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको कर देना, तो देख सकते हैं अब एकदम अपना पहले वाला भी चल रहा है सही से और नया वाला भी चल रहा है। ओके, तो इसी तरीके से आपको कॉपी पेस्ट करना है। ओके, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, अगर इससे और लंबी कहानी आप लिखना चाहते हो तो फिर इसको एक बार फिर इसी पर बस करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद इसको फिर से एक डुप्लीकेट कर देना है जैसे कि अभी किया था। ओके, इसी तरीके से आप डुप्लीकेट करते जाओगे और कॉपी पेस्ट करते जाओगे तो आप जितनी लंबी कहानी वीडियो बनाना चाहते हो वो बन जाएगा। ओके, तो इतना कुछ करने के बाद अब इसमें क्या अपनी आवाज़ देनी है, आवाज़ देने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड, यहाँ पर मैंने टिक लगाया है रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड पर करना है एक बार क्लिक, तो जो अपन ये चलेगा लिखा हुआ तो इसी को बस पढ़ देंगे और यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी वो चीज़, तो चलिए रिकॉर्ड पर करते हैं क्लिक और इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते मैंने यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है वो बोल दिया। इसी तरीके से जितना आप बड़ी कहानी वीडियो बना लोगे वो आप लिख देना। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर देख सकते हैं इतना मैंने बोला नहीं है खाली, तो इतना हम कट कर लेंगे। तो एक बार करेंगे यहाँ पर क्लिक, जो लिखा हुआ है जो यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड की इस पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको नीचे आना है, काफ़ी सारे ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ट्रिप एंड स्प्लिट इस पर एक बार करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये कौन सा भाग है, लेफ्ट, तो बस लेफ्ट पर ही एक बार कर देना क्लिक और लेफ्ट वाला भाग चला जाएगा। इतना कुछ करने के बाद इसको इस तरीके से खिसका देना। अब चलिए आपको प्ले करके दिखाते हैं। वर्धमान नगर में रूप से नाम का राजा राज करता था, एक दिन उसके यहाँ बीरबल नाम। तो देख सकते अब अपनी एकदम कहानी बनकर हो गई तैयार। जितनी आप बड़ी कहानी बना सकते हो वो ऐसे ही आप बना लेना जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, अब इसमें मान के चलो आपको क्या ऑडियो भी देना है, यानी कि म्यूजिक बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है उससे क्या कहानी अट्रैक्टिव हो जाती है। वीडियो जरूर लंबा होने वाला है पर आप आराम से सीख जाओगे यही वीडियो देखकर। अब इसमें क्या ऑडियो देंगे जिसे बोलते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, तो ऑडियो कैसे देंगे देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो लिखा, तो इसी ऑडियो पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद जो भी आप ऑडियो देना चाहते हो फोल्डर से भी या यहाँ पर सॉन्ग पे भी, सॉन्ग से सॉन्ग के अंदर आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं मैं जल्दी के लिए यही वाला क्लिक कर लेता हूँ इसी पर। क्लिक करने के बाद प्लस पर यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक, तो प्लस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑडियो यहाँ पर आ गया। आप चलिए प्ले करके दिखाते हैं। वर्धमान नगर में रूप से नाम का। अभी आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही होगी जो आपने शायद नहीं देख पाई हो, क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूजिक इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा और जो अपन बोल रहे हैं वो बहुत कम है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ हमेशा कम ही रहती, तो इस पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मिक्सर पर एक बार करेंगे क्लिक, तो इसको भाई 20% या अपने हिसाब से आप रख लेना, तो देख सकते हैं मैं 20% ही रखने वाला हूँ। तो चलिए आप प्ले करके दिखाते हैं। वर्धमान नगर में रूप से नाम का राजा राज करता था, एक दिन उसके यहाँ वीर। देख सकते अब अपनी एकदम पूरे तरीके से कहानी बनकर हो गई तैयार, तो देख सकते आप चलिए देख सकते यहाँ पर नया पैराग्राफ भी आपको दिखा देते, कहीं एक ऊपर एक तो नहीं चढ़ रहा, तो देख सकते अभी ये अपना क्या है वही पहला पैराग्राफ चल रहा, अब दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। चलिए वीडियो को भी प्ले कर देते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये अपना पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, एकदम सही तरीके से चल रहा है, यानी कि ना कोई आगे ना पीछे ना एक ऊपर चल रहा है, सही तरीके से रनिंग कर रहे। तो इसी तरीके से कहानी वीडियो बनाई जाती है लिखने वाली। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे कमेंट में बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।